हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन लेक्चर सीरीज ऑफ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमर कंपोजिट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था पॉलीमर ब्लेंड्स, तो पहले थोड़ा सा पॉलीमर ब्लेंड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच हमें कंपैरिजन को भी समझना है। जो पॉलीमर ब्लेंड्स हैं वो मिक्सचर ऑफ पॉलीमर होता है, लेकिन वहां पर जो मिक्सचर बनता है वो केवल और केवल फिजिकल मिक्सचर होता है। वहां नंबर ऑफ पॉलीमर्स के बीच में किसी केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन जो पॉलीमर कंपोजिट्स होते हैं इनका मेन की पॉइंट ही केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन है, यानी ये एक थ्री डायमेंशनल कॉम्बिनेशन है कम से कम दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ मटेरियल्स का। अगर हम कॉम्बिनेशन में पॉलीमर यूज करते हैं तब हम इसको कहते हैं पॉलीमर कंपोजिट्स, लेकिन अगर हम पॉलीमर की जगह कोई भी दो मटेरियल्स यूज कर रहे हैं तो उन दो मटेरियल्स के केमिकल या थ्री डायमेंशनल कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कंपोजिट्स। तो क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट पॉलीमर कंपोजिट्स है इसलिए हम पॉलीमर की फॉर्म में इसको कंसीडर करेंगे। तो हम पॉलीमर कंपोजिट्स को क्या लिख सकते हैं, इट इज ए थ्री डायमेंशनल कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट टू मटेरियल्स, यानी कम से कम दो मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए तभी हम उसको क्या कहेंगे, कंपोजिट्स या पॉलीमर कंपोजिट्स। और इसका की पॉइंट क्या है कि देयर इज केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मटेरियल्स। अब उन मटेरियल्स में पॉलीमर्स भी हो सकते हैं, अगर पॉलीमर प्रेजेंट होंगे तब हम इसको क्या कह रहे हैं, पॉलीमर कंपोजिट्स कह रहे हैं। तो दो पॉइंट ध्यान रखने हैं, थ्री डायमेंशनल कॉम्बिनेशन, और थ्री डायमेंशनल होने का मतलब है कि इसमें केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन है दो या दो से ज्यादा मटेरियल्स के बीच में। जो पॉलीमर कंपोजिट्स होते हैं इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, यानी जिन भी मटेरियल से मिलकर ये बनते हैं उनमें से कोई भी मटेरियल अकेला इंडिविजुअल उन केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्टेन नहीं कर सकता। तो इसलिए एक कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है जिस कॉम्बिनेशन की वजह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों चेंज होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज को हम इंडिविजुअल किसी भी पॉलीमर से या किसी भी मटेरियल से गेन नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट हम इसको लिख सकते हैं, जो पॉलीमर कंपोजिट्स होते हैं वो दो मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, मिनिमम तो दो मटेरियल्स होंगे जिसमें दो अलग अलग फेजेस हम कंसीडर करते हैं। तो पॉलीमर कंपोजिट्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स फेज प्लस रीइंफोर्सिंग फेज। अब इस मैट्रिक्स फेज और रीइंफोर्सिंग फेज का मतलब क्या है, जितने भी पॉलीमर कंपोजिट्स होंगे वो किसी एक बेसिक मटेरियल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करेंगे। तो जो बेसिक मटेरियल हम यूज करेंगे उस बेसिक मटेरियल को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स फेज। दिस इज बेसिक मटेरियल और बेसिक फेज। और रीइंफोर्सिंग फेज क्या होगी, जिस फेज को हम इस बेसिक मटेरियल यानी मैट्रिक्स फेज की प्रॉपर्टीज को एनहेंस करने के लिए या बढ़ाने के लिए या चेंज करने के लिए यूज करेंगे। तो मैट्रिक्स फेज को हम क्या कह रहे हैं, बेसिक मटेरियल कह रहे हैं या बेसिक फोर्स फेज कह रहे हैं। और जो रीइंफोर्सिंग फेज है, इस रीइंफोर्सिंग फेज का मतलब क्या है कि ये रीइंफोर्सिंग फेज इस बेसिक मटेरियल को एम्पावर कर रही है, इट इज एम्पावरिंग मटेरियल। ठीक, तो ये हमारा बेसिक मटेरियल, और इस की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हमने केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन किसके साथ कराई, रीइंफोर्सिंग फेज के साथ कराई। जितनी भी मैट्रिक्स फेज होती हैं इन मैट्रिक्स फेज के अंदर ये रीइंफोर्सिंग फेज एम्बेडेड होती हैं। मैट्रिक्स फेज कैसे मटेरियल्स होंगे, टफ मटेरियल्स होंगे, और जो रीइंफोर्सिंग फेज होंगे ये स्ट्रांग और लो डेंसिटी के मटेरियल्स होंगे। तो अगर हम पॉलीमर कंपोजिट्स की बात कर रहे हैं तो दैट मींस देयर इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर देन टू मटेरियल्स, और केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन से हमें कैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, 3D कॉम्बिनेशन मिल रहा है। इस 3D कॉम्बिनेशन को हम क्यों ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, हम एक ऐसा पॉलीमर का मिक्सचर बनाना चाहते हैं जिस मिक्सचर के अंदर
ऐसी प्रॉपर्टीज हों जो हमें ना तो किसी सिंगल एक पॉलीमर से ना हमें किसी दूसरे मटेरियल सिंगल से वो प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, मिक्सचर की फॉर्मेशन करते हैं विद केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, और उससे हमें मिलता है पॉलीमर कंपोजिट्स जिसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे मैट्रिक्स और रीइंफोर्सिंग फेस के अंदर इंडिविजुअल प्रेजेंट नहीं होती हैं। अब अगर हम पॉलीमर कंपोजिट्स को डिवाइड करें या उसको क्लासिफाई करें तो हम दो तरीके से क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हैं, बट पहले एक कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हम पॉलीमर कंपोजिट्स को इजिली समझ सकें। हम ले रहे हैं एक कॉमन एग्जाम्पल फाइब्रस सीमेंटेड शीट। ये बहुत ज्यादा यूटिलाइज किए जाने वाला मटेरियल है। अब ये फाइब्रस सीमेंटेड शीट क्या है, इसमें से फाइब्रस और शीट को हटा दें, सीमेंट, सीमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, सीमेंट जो है वो एक टफ मटेरियल है, यानी पानी के साथ जो है वो एक हार्ड मटेरियल की फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम खाली सीमेंट की शीट्स को बनाएं तो इन शीट्स को कट करना, ड्रिल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम इस सीमेंट की शीट्स को फाइबर्स के साथ में कंपोजिट कर दें, यानी ये हमारा एक बेसिक मटेरियल, जिस बेसिक मटेरियल के अंदर हमने फाइबर्स को इंसर्ट कर दिया, जो बेसिक मटेरियल था वो क्या था, सीमेंट था। जितना पोर्शन खाली दिखाई दे रहा है इसको मैंने मेंशन किया सीमेंट, और ये जो पोर्शन है इसको मैंने मेंशन किया फाइबर। तो सीमेंट क्या है, मैट्रिक्स फेज यानी बेसिक फेज, और फाइबर क्या है, रीइंफोर्सिंग फेज। ये केवल एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूं, आप इस तरीके के और बहुत सारे आर्टिकल्स आगे पढ़ेंगे। तो ये मैट्रिक्स फेज है और ये रीइंफोर्सिंग फेज है। अब जैसे ही हमने इस रीइंफोर्सिंग फेज को इस मैट्रिक्स फेज के साथ में इंसर्ट किया, जो हमारी शीट है उस शीट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। इस शीट को हम डिजायरेबल शेप में, डिजायरेबल साइज में कट कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सिंगल बेसिक सीमेंट मैट्रिक्स फेज की बनी हुई थी तो हम इसको ना तो इजीली कट कर सकते थे, ना हम इसको डिजायरेबल शेप में कन्वर्ट कर सकते थे। तो ये केवल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके एग्जांपल के लिए मैंने लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम कंपोजिट्स की टाइप्स की बात करें तो पहली कैटेगरी जो हम डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स फेज, यानी मैट्रिक्स फेज किस मटीरियल की बनी हुई है उस बेसिस पर अगर हम निकालते हैं तो हम पॉलीमर कंपोजिट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कंपोजिट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, जिसमें से पहली कैटेगरी हमारे पास आती है मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट्स, और इनको हम कहते हैं MMC, यानी ऐसे कंपोजिट्स जिसमें मैट्रिक्स फेज किससे बनी हो, मेटल की बनी हुई हो, उनको हम कहते हैं मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट्स। सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे कंपोजिट्स जिनमें की मैट्रिक्स फेज किससे बनी हो, सिरेमिक से बनी हो, यानी दीज कैन बी रिटन एज CMC। एंड थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स, यानी ऐसे कंपोजिट्स जिनकी मैट्रिक्स फेज किससे बनी हो, पॉलीमर से बनी हो, दीज कैन बी रिटन एज PMC। तो ये तीन कैटेगरी हमारे पास होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स फेज। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ, जो क्लासिफिकेशन हमारा डिपेंड करता है रीइंफोर्सिंग फेज पर, कि रीइंफोर्सिंग फेज हमारी किस तरीके की है। तो सेकंड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट के बेसिस पे हमारे जो पॉलीमर कंपोजिट्स होते हैं उन पॉलीमर कंपोजिट्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है पार्टिकल रीइंफोर्समेंट, और सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है फाइबर रीइंफोर्समेंट। तो नाम से इतना तो क्लियर है, पार्टिकल रीइंफोर्समेंट यानी रीइंफोर्सिंग फेज पार्टिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, और फाइबर रीइंफोर्समेंट में जो रीइंफोर्सिंग फेज है वो फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। अब इस पार्टिकल रीइंफोर्समेंट और फाइबर रीइंफोर्समेंट को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो डिफरेंट कैटेगरीज में।
पहली कैटेगरी पार्टिकल रीइंफोर्समेंट में, इट इज लार्ज पार्टिकल रीइंफोर्समेंट, एंड सेकेंड कैटेगरी स्मॉल पार्टिकल और डिस्पर्जन रीइंफोर्समेंट। इसका क्या मतलब हुआ? लार्ज पार्टिकल रीइंफोर्समेंट डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स फेज है, जिस मैट्रिक्स फेज के अंदर जो रीइंफोर्सिंग फेज है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो पार्टिकल है वो किसी भी शेप के हो सकते हैं, लेकिन उन पार्टिकल्स का जो साइज है वो कैसा है? बड़ा है। तो सपोज ये हमारे पास पार्टिकल की शेप है, तो लार्ज पार्टिकल रीइंफोर्समेंट में इस मैट्रिक्स फेज के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं रीइंफोर्सिंग फेज के, वो कैसे हैं? साइज में बड़े हैं। लेकिन अगर यही हम डिस्पर्जन या स्मॉल पार्टिकल रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, तो ये हमारी बेसिक मैट्रिक्स फेज और इसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे? साइज में छोटे होंगे। यानी ये हमें बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि हमने किसी बेसिक मटेरियल के अंदर किसी दूसरे मटेरियल को डिस्पर्स कर दिया हो। तो इस तरीके का जो रीइंफोर्समेंट होता है उसको हम कहते हैं पार्टिकल रीइंफोर्समेंट। थोड़ा सा लेबल इसको कर देते हैं। ये हमारे पास है बेसिक यानी कि मैट्रिक्स फेज, जो ब्लैंक पोर्शन हमने दिखाया, और ये जो है दिस इज रीइंफोर्सिंग फेज, रीइंफोर्सिंग फेज। तो इधर भी इसको लेबल कर देते हैं इन पार्टिकल्स की तरफ। बिल्कुल इसी तरीके से जैसा नाम से पार्टिकल में इंडिकेट हुआ है, ऐसे ही हम फाइबर रीइंफोर्समेंट को भी दो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी हमारे पास आती है लॉन्ग फाइबर रीइंफोर्समेंट। और दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है शॉर्ट फाइबर रीइंफोर्समेंट। तो लॉन्ग फाइबर नाम से समझ में आ रहा है लंबी, यानी पूरी शीट के अंदर फाइबर्स लेंथ में प्रेजेंट होंगे। शॉर्ट फाइबर में जो फाइबर्स हैं उनका साइज जो है वो छोटा होगा। तो इसको भी हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा बेसिक मटेरियल, और इस बेसिक मटेरियल के अंदर किसी भी लॉन्ग फाइबर्स प्रेजेंट होंगे उसको हम कहेंगे लॉन्ग फाइबर रीइंफोर्समेंट, और जो शॉर्ट फाइबर रीइंफोर्समेंट होगा, इस शॉर्ट फाइबर रीइंफोर्समेंट में जो फाइबर्स हैं उनका साइज छोटा होगा। यानी ये हमारा बेसिक मटेरियल, और किसी भी शेप में किसी भी डायरेक्शन में अगर छोटे छोटे फाइबर्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम कहेंगे शॉर्ट फाइबर रीइंफोर्समेंट। ऐसे ही यहां पर ये जो बेसिक फेज है दिस इज मैट्रिक्स फेज दोनों के लिए, और ये जो फाइबर्स प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्सिंग फेज। ये तो ये मैट्रिक्स फेज हमारे पास होगी बेसिक मटेरियल, ये हमारे पास रीइंफोर्सिंग फेज होगा। जो पॉलीमर कंपोजिट्स हैं ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स बनाने के काम में आते हैं, तो एक बहुत बड़ी रेंज पॉलीमर कंपोजिट्स के एप्लीकेशंस की होती है, जिनमें से कुछ एप्लीकेशंस को मैं मेंशन कर रही हूं। डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्टिंग मटेरियल, डिफरेंट मशीन्स, सर्किट बोर्ड्स, ये सब या इनमें से किसी के भी पार्ट्स बनाने के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। जो पॉलीमर कंपोजिट्स होते हैं, इन कंपोजिट्स की एडवांटेज होती हैं कि ये बाकी किसी भी मटेरियल के कंपैरिजन में इकोनॉमिक होते हैं, यानी इनकी जो कॉस्टिंग होगी वो कॉस्टिंग बाकी दूसरे सब्सटेंस के कंपैरिजन में कम होगी। तो वी कैन से दीज आर इकोनॉमिकल, having good thermal properties, इसके अलावा
ये जो पॉलीमर कंपोजिट्स होते हैं इनके मेंटेनेंस के लिए बहुत कम स्किल की रिक्वायरमेंट होती है. दीज आर कोरोजन रेजिस्टेंट. इनका जो वेट होता है वो किसी भी मेटेलिक मटेरियल के कंपैरिजन में बहुत कम होता है. तो इतने सारे एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस होने की वजह से जो पॉलीमर कंपोजिट्स हैं इनका इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन बहुत वाइड रेंज की फॉर्म में किया जाता है. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमर कंपोजिट्स और एनी काइंड ऑफ कंपोजिट्स. थैंक यू सो मच.